बहुत दिन के बाद आज इस चैनल पर आपको वीडियो मिला है, तो उम्मीद करेंगे आगे, अब ना हम ट्रिप पे हैं तो ज्यादातर वीडियो आपको मिलते रहेंगे स्टे के भी और खाने और पीने के। सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम यहाँ पर करने वाले हैं लंच। ये जगह है, कौन सी जगह है अभी मैं बता दूंगा और क्या नाम है रेस्टोरेंट का वो भी अभी आपको बता दूंगा। तो पहले यहाँ पे लंच करते हैं, कैसा है यहाँ पे एक्चुअली। बाहर इनके पास नॉन एसी है, अंदर एसी है, तो हमारा एसी ही चाहिए था मेन। तो चलो शुरू करते हैं पहले। तो ये है जी डिंकी डाइन, प्योर वेज रेस्टोरेंट है और ये जगह पड़ती है अगर आप जाओगे मैंगलोर से कोर्ग रोड पे तो कुछ ये जगह पड़ती है। एक्चुअल कौन सी जगह है ये नहीं पता, थोड़ा सा आगे निकल के वहाँ पे पड़ जाती है ये जगह। और जी तो अभी यहाँ पे करते हैं पहले लंच। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की है साउथ इंडियन थाली, एक ये है जो आ चुकी है, और नॉर्थ इंडियन थाली जिसके साथ में सूप भी मिला है। तो सूप ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में, बाकी एक बार खाते हैं देन उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं। सूप का दीवाना हो गया है अक्षु, तो ये बोल रहा है कि मुझे दोनों सूप चाहिए, दोनों थाली के। तो अभी सूप टेस्ट किया है भाई, सूप का टेस्ट तो मस्त है। और साउथ थाली में इन्होंने दिए पूरी, राइस, हाँ तो बाद में देखेंगे। और ये आ गई है जी अपनी नॉर्थ इंडियन थाली, इसमें दिया इन्होंने दाल, सेब, इधर एक ये सब्जी है, सीरा भी है और इधर भी कुछ सब्जी है, बाकी राइस और साथ में रायता, रोटी एक ही है। चलो जी खाते हैं, खाने के बाद फिर टेस्ट बताएंगे एक साथ। तो जी खाना डन हो चुका है, ज़्यादा ही पेट भर गया है कुछ अपना, आज सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर से तीन लाइम ये सोडा मंगा लिए, इसका पेट ज़्यादा भरा। बहुत आइटम थे और राइस का जो राइस की बाउल अब वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी है काफ़ी। तो ये है इनके इधर ना नॉन एसी एरिया, अगर आप नॉन एसी में खाना चाहते हो नॉन एसी में, और सामने जहाँ हम बैठे थे वो है एसी एरिया, तो वहाँ पे भी आप जाके बैठ सकते हो। फिलहाल चलते हैं, लंच हो गया, कैसा हुआ वो अभी बताते हैं बैठ के गाड़ी में। बाहर है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हम कुर्ग जा रहे थे तो हमने सोचा कि भाई चलो लंच का ही करना है तो ब्लॉग बनाते हैं। खाना अच्छा था, टेस्टी था वो। तो जी लंच हो चुका है अपना, एंड कैसा हुआ वो अभी मोनिका बताएगी आपको। भाई कैसा हुआ भाई? बहुत सही हुआ और प्राइस भी मुझे बड़े सही लगे, मतलब 110 की थाली थी तो 3 थाली हमने ली थी। हाँ, और उसमें आइटम काफी सारे थे और 40 रुपीस का लाइम सोडा था, और हमें थोड़ी सी आगे रोकनी पड़ेगी क्योंकि उनके ना यहाँ पे गेस्ट ठुक रहे, और बिल भी बहुत ज्यादा था, 587 का बिल हुआ है जिसमें हमने 3 थालियाँ भी ली थी। हाँ, और 3 हमने ये मंगा लिए थे अलग से, मतलब चार लाइम सोडा लिए थे हमने, लाइम सोडा भी 40 रुपए का है सिर्फ, और वाटर बॉटल और दो रोटियां एक्स्ट्रा ली थी अक्षु ने। तो अगर आप कुर्ग से जाने का प्लान कर रहे हो मैंगलोर से ना, तो मैंगलोर से निकलते ही एकदम ये जगह पड़ जाती है, अच्छी जगह लगी। डिंकी डाइन इन तो प्योर वेज रेस्टोरेंट राइट साइड में, और अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का। अगर मैं नॉर्थ इंडियन थाली की बात करूँ ना, तो दाल वाल एकदम बिल्कुल टेस्टी थी, और उसमें 3 सब्जियाँ दी थी, दाल और अलग से 2 सब्जी, और साथ में रायता, राइस की क्वांटिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी दोनों थालियों में, तो बढ़िया था, अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी इधर से जा रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, एंड उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत दिन के बाद आज इस चैनल पर आपको वीडियो मिला है, तो उम्मीद करेंगे आगे, अब ना हम ट्रिप पे हैं तो ज्यादातर वीडियो आपको मिलते रहेंगे स्टे के भी और खाने और पीने के भी। हो सकते हैं बहुत लंबे वीडियोस ना मिले, जितना हाँ। छोटा जैसा भी हम बना सकते हैं, मतलब कि आपको मेन पर्पस होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। बिल्कुल, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।